हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। देखते हैं आज हम किसकी बात करेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ग्रुप डी और ग्रुप सी या स्टेनोग्राफर या क्लर्क, इन सबकी जो ड्रेस कोड अलग अलग होती है क्या, या फिर ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं उसकी ड्रेस कोड अलग होती है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप देखा करो, लास्ट तक देखा करो, जिससे कि आप स्किप करके देखते हैं तो ये समझ में नहीं आता क्या चीज़ है ना। और दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब जो इस वीडियो को यार लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को 100-150 लोग देखते हैं डेली, और जो है आज की वीडियो कम से कम 300-400 लोग देख चुके हैं, पर लाइक कितने आते हैं, 10 या 15 लाइक। तो मतलब ये बताओ कि लाइक करने से कुछ घिस तोड़ ना रहा है भाई। इस वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें भाई, जिससे कि भाई किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ड्रेस कोड की। देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव मैं एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ अपने ग्रामर से अलग। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव कोई भी अगर न्यूज़ आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मेरे चैनल पे एक लिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट के नाम से, वहाँ आप देख लीजिए। उसमें जो है चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए जाके, वहाँ पे जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव सारी वीडियो मिल जाएंगी, 8-10 वीडियो पड़ी थी। ठीक है, इसमें देखते हैं ड्रेस कोड क्या होता है। एक तो होता है हमारा क्लर्क, स्टेनो और ग्रुप डी। इसमें क्या रहता है, क्लर्क स्टैंड को ड्रेस कोड क्या होता है आज हम बात करेंगे। देख लेते हैं यहाँ से, इसमें क्या रहता है ड्रेस कोड के अंदर। एक तो वाइट शर्ट होगी आपकी, जो वाइट शर्ट होगी ड्रेस कोड, बहुत अच्छा ड्रेस कोड है। इसमें क्या रहता है, वाइट शर्ट होती है आपकी, ब्लैक पैंट होती है, और ये आप देख लीजिए ब्लैक पैंट होती है। ठीक है, इसके बाद ब्लैक कोट होता है, एकदम मस्त लगते हैं इसमें ब्लैक कोट, और इसके बाद ब्लैक टाई होती है, और ब्लैक शूज़ होते हैं। जूते भी जो हमारे होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, एकदम जो है स्मार्ट जो होते हैं, है ना, स्मार्ट का एकदम बढ़िया लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि ड्रेस कोड बहुत अच्छा होता है ना। और इधर देख लेते हैं हम जो है ग्रुप डी के एम्प्लॉय की। ग्रुप डी में क्या रहता है कि आपको वाइट पैंट पहननी पड़ती है और वाइट ही आपको शर्ट पहननी पड़ती है ड्रेस कोड में। ठीक है, यही चीज़ जो है, यही आप जो हो इसमें इसी ड्रेस में आपको न्यायालय परिसर में आना होता है। सीधी सी बात है, यही ड्रेस जो होती है आपको न्यायालय परिसर में आना होता है, सीधी सी बात है, इसी ड्रेस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल की। तो मेल एंड फीमेल दोनों की ड्रेस जो होती है वो एक ही रहती है, कोई अलग नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है इसमें। क्या रहता है, बस जो उनके जो होते हैं ड्रेस कोड जो होता है, आप समझ जाइए, वो अपने हिसाब से पहन लेते हैं। पर जो ड्रेस कोड जो रहता है, वाइट है तो वाइट ही पहनेंगे, किसी को अगर ब्लैक टाई वगैरह जो चीज़ हैं, जो भी कुछ है, कहने मतलब आप देख लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें जो थी ड्रेस कोड से रिलेटिव थी। ठीक है, तो आप जो हो, मैं एक बार दुआ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, है ना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को, है ना, जिससे कि आने वाले, मेरा बहुत दिल खुश हो जाता है जब मैं देखता हूँ इतने सारे लाइक आए हैं, तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और बनाता हूँ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोबारा से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना व्हाट्सएप पे अपने साथियों के साथ। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।